कर लेते सर, गाने की हम बात कर रहे हैं, क्या ब्रीफ दिया गया था और फर्स्ट ऑफ ऑल जब हृदय के बारे में आपने सुना तो क्या रिएक्शन था? जब मुझे ये पता चला कि हमारे जो यंग म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ पर हैं, ये इनका नाम है हृदय घटानी और मेरे बेटे समान हैं, ये जैसे सिद्धार्थ है जैसे शिवम है, वैसे ही मैंने हृदय को बहुत बचपन से देखा है एंड वी बीन फैमिली, मोर देन फैमिली एक्चुअली। हमने काफ़ी सारे म्यूज़िकल जो एक्सपीरियंसेस है हमने साथ में शेयर किया है, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये कर रहा है म्यूज़िक फॉर और म्यूज़िक डायरेक्टर है, क्योंकि मैं उनका बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हार्ड रॉक में कभी परफॉर्म करता था या रहमान के शो में परफॉर्म करता था, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम एज अ सिंगर एज अ परफॉर्मर। मैं खुद ही एक मौका दिख रहा था कि मैं कभी काम करूँ उनके साथ, मैं कभी उनको गवाऊँ, ये यू नो यू गेट द करेक्ट सॉन्ग। जब मैं ये एक तलाश कर रहा था तभी मैं देखा कि ये म्यूज़िक डायरेक्टर उसको मुझे गवाना है, तो मैं सुन के इतना खुश हुआ, मैं बोला कि ये आई हैव टू डू इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। मैं बोला कि कैसे भी करके मैं करूँगा ही करूँगा, तुम्हें रुकना ही होगा मेरे लिए, मैं आके तुम्हारे पिक्चर में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैंने गाया नहीं। तो आई थैंक हिम फॉर वेटिंग फॉर मी, उन्होंने काफ़ी रुका लेकिन इट वॉज़ वेरी नाइस ऑन हिज पार्ट। और जब मैंने गाना सुना तो मैं दिल खुश हो गया, बिकॉज बहुत कम बार ऐसे चैलेंजिंग सॉन्ग्स लोग कंपोज करते हैं जिनको गा के भी मज़ा आता है, सुन के मज़ा आता है और एक म्यूज़िकल चैलेंज एक म्यूजिशियन को लगता है। तो ये जो वाह कहने वाली बात है, ये लोग जो सुन रहे हैं वो भी वाह कहेंगे, म्यूजिशियंस भी वाह कहेंगे, इस तरह का कंपोजिशन है। तो मैं बस अपना ब्लेसिंग्स और अपना आशीर्वाद और अपना गुड विशेस हृदय और पूरी टीम को देता हूँ। ये फिल्म जैसे वो बता रहे थे ब्रीफ, बहुत स्पेशल फिल्म है और बहुत अच्छी तरह इसे प्रोड्यूस किया गया है, डायरेक्ट किया गया है। तो आई विश दिस टीम ऑल द वेरी बेस्ट और मैं ये उम्मीद करता हूँ लोग सुनेंगे गाना। हमेशा हमेशा प्राउड फीलिंग होती है जब अपने रूट से टच होना, मराठी पिक्चर के लिए काम करना, कितना आपके लिए ये बहुत अहम बात है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का, मेरा जन्म यहीं हुआ, ये तो मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, यहीं पर बड़ा हुआ, पैदा हुआ और महाराष्ट्र से मुझे इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, अगर वो म्यूज़िक हो या एक्टिंग हो या म्यूज़िक कंपोजिंग हो, लोगों ने इतना प्यार दिया, दे रियली नेवर 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 थॉट ऑफ मी एज बीइंग अ नॉन महाराष्ट्रियन इन अ, क्योंकि मैं अपने आप को खुद ही महाराष्ट्रियन समझता हूँ एंड आई रियली फील स्ट्रॉन्ग फॉर दिस कल्चर। तर ये गाना गा के मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें एक रूरल फील है, इसमें एक मतलब इसकी मिट्टी की खुशबू है इस गाने में, और इसने इतना अच्छा कंपोज किया, इतना अच्छा कंपोज किया और इतना अच्छा उसको म्यूजिकली प्रोड्यूस किया, सजाया है उसको, सुन के दिल खुश हो गया। मतलब ऐसा जब अपना बेटा जब भी कुछ करता है तभी कैसा लगता है, वैसा लगा मुझे। एक्सट्रीमली आई फील ब्लेस्ड, ऑनर्ड, एक्सट्रीमली ऑनर्ड। और एक चीज़ थी कि आई वॉज ऑब्वियसली वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू have him sing my song, it's the biggest honor ever and more than that ki ye jab gana bana hi tha na, jab main compose kar raha tha aur jab khatam hone ko aa raha tha na, I could hear Shankar sir singing it, I could only hear him singing it because it needed that energy and that depth and obviously that experience to come on board and make it sound the way it sounds today. And I'm just extreme, it's and you know I've always wanted to work with him because I feel like I wanted to work with everyone who has so much experience because then you can learn from them. You know, that's the most important part. Sankarji, first of all, congratulations for the great hit of your song Surma, also like going viral. Thank you very much. What response, what one of the comment you really like for your मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सुरमा का एक दिलजीत ने गाया हुआ एक इश्क दी बाजियां बहुत लोगों को पसंद आया, फिर कल ही वो सुरमा का टाइटल सॉन्ग रिलीज़ किया है, इट्स वेरी पावरफुल, बहुत इम्पैक्ट लोगों को दे रहा है, इट्स अ वेरी इमोशनल एट द सेम टाइम वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ टाइटल। सो और फिल्म भी अच्छी बनाई है शाद ने, तो आई जस्ट होप दैट पीपल गो एंड सी दिस फिल्म बिकॉज इट्स वेरी इंस्पायरिंग। We are seeing the like lots of Bollywood singers are coming with the independent song. How you see this trend is going on in industry? मतलब independent songs तो करनी चाहिए, Bollywood में भी करना चाहिए। अभी इसे देखो ना, इसने इतने सारे singles किए हैं,
ही इज़ डन हिज ओन इंडिपेंडेंट सॉन्ग, हिज ओन कॉम्पोजिशन, जिसमें उसने कंपोज किया, उसने गाया, उसमें वीडियो में एक्टिंग किया और खुद परफॉर्म करते हैं. सो मल्टी फैसेटेड आर्टिस्ट, ऐसे देख के इतनी खुशी होती है. ये है मेरा बेटा है, यंग यू नो आर्टिस्ट आर देयर हु जिन्होंने एक भी शायद फिल्म सॉन्ग नहीं गाया, लेकिन उनके यूट्यूब के प्रेजेंस की वजह से दे बिकम सुपर स्टार. सो आई रियली आई मीन इट्स अ डिफरेंट टाइम एंड यू शुड यूटिलाइज दिस टाइम in the correct way and which is what this guy is doing. Thank you so much, Dr. Thank you. For more updates, subscribe to our YouTube channel and download our Android app. Movie 9 PM.